हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैंने घेरा में 3 राउंड बनाए। ये घेरा मैंने अपनी कई वीडियो में बनाना सिखाया है, आप मेरी वीडियो में जाके इसे बना सकती हैं। और यहाँ पर मैंने 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे हम, यहीं से इस तरह से सीम में एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 चैन, 5 चैन बनाने के बाद 3 चैन की हमारी 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और यहाँ पे 1 छोड़ेंगे, दूसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे 2 चैन, 1 चैन छोड़ेंगे, दूसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चैन, यहाँ पे मैंने 2 चैन बना ली। अब 1 चैन छोड़ेंगे, दूसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 चैन, फिर से हम 1 चैन छोड़ेंगे, दूसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चैन, फिर से हम 1 छोड़ेंगे, दूसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मेरी 2 चैन बची हैं। 1 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे मेरी 2 चैन बची हैं। इसी तरह से आप भी एडजस्ट कर लें। यहाँ पे 3 की चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारी जाली है, ये 33 बनी है। 3 में हमारी 1 डिजाइन कंप्लीट होगी। और यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम इसे छोड़ेंगे और दूसरी वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 बार निकालेंगे, 2 बार या 3 बार, 3 बार निकालेंगे, फिर से हम 2 फंदे इसी चैन के अंदर, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 या 3 बार निकाले, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 बार, ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया 3 बन गई। और यहाँ पर 2 चैन, फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी चैन के अंदर, 1 बार निकालेंगे, 2 बार या 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर से इसी में बनाएंगे, ये हमारी 2 बार फंदे लेंगे इस तरह से, इसी में फिर से 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार निकालेंगे, 2 बार 3 बार, यहाँ पे हमारी 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, 3 इधर, बीच में 2 चैन, फिर से 3। अब 1 यहाँ पे छोड़ी थी जाली और 1 में ट्रिपल क्रोशिया बनाए, इसे छोड़ेंगे और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी इस वाली में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से हम इसे छोड़ेंगे, 1 दूसरी वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम 2 चैन बनाएंगे, फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम इस जाली पे, ये वाली जाली है, इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से हम इसे छोड़ेंगे, आगे वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें,
ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई। इस तरह से तीन ट्रिपल क्रोशिया, बीच में दो चैन, फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तीन। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। और फिर से इस वाले में तीन फंदे हो गए। इसी में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, दो तीन, दो चैन, फिर से इसी में तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हो गए। और यहाँ पे आओ, ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से डिजाइन बन के आया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ पे चैन बनाई थी, इसमें से कलर जोड़ेंगे जैसे, एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे यहीं पे। अब तीन चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी चैन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये चार डबल क्रोशिया, एक थ्री की चैन की डबल क्रोशिया। यहाँ पे टोटल हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए, पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन। फिर से हम इस तरह से घुमाएंगे, यहाँ पे तीन चैन बना लिए। अब ये पहली डबल क्रोशिया के ऊपर तो हमारी ये चैन की डबल क्रोशिया हो गई, एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो चैन। फिर से हम इसी डबल क्रोशिया के अंदर, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी में फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो चैन, और यहाँ पे सॉरी तीन चैन, और यहाँ पे ये थ्री की चैन है, स्लिप स्टिच से इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया, एक दो तीन चैन। फिर से हम इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे ये चैन बनाई थी, अब इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशिया, इस वाले में तीन डबल क्रोशिया हो गई हमारी, फिर से दो चैन। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से दो चैन। और यहाँ पे वी स्टिच है, इसमें दो चैन बनाई थी, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ये चार डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया हो गए, फिर से दो चैन। दो चैन बनाने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, और ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसमें से हम दो फंदे इस तरह से उठाएंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। कुछ हमारा ये ऐसा फ्लोवर बन के तैयार हो गया। यहाँ पर दो चैन। अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो चैन। अब यहाँ पे दो चैन बनाई थी ट्रिपल क्रोशिया के बीच में, अब इसमें हम फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये पांच डबल क्रोशिया,
एक दो तीन चैन, फिर से हम इस तरह से घुमाएंगे। अब हम एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन इस तरह से। ये बी स्टिच बन गया, यहाँ पे मेरा बी स्टिच बन गया। अब यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन, और ये डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम दो चैन, दो चैन बनाने के बाद से हम यहीं पे छोड़ेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, और यहाँ पे ये वाली है थ्री की चैन वाली है लास्ट वाली, इसमें हम इस तरह से निकालेंगे इसको, इस तरह से। ये हमारा इस तरह से फ्लोवर जुड़ गया। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे दो चैन, अब ये डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से दो चैन, दो चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे बी स्टिच बनाया था, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ये चार डबल क्रोशिया, दो चैन। फिर से हम इसी यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी इसके ये वाली, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से दो चैन, और यहाँ पे इस वाले होल के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन दो, ये तीन डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर से दो चैन, और यहाँ पे दो डबल, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी इसके ऊपर से दो फंदे उठाएंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। एक दो, तीन चैन, तीन चैन लेने के बाद अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से तीन चैन, और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया के बीच में दो चैन बनाई थी, इसमें हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन। यहाँ पे हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमारी थ्री की चैन हो गई, एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर से डबल क्रोशिया इसी होल के अंदर बनाएंगे। ये हमारा वी स्टिच बन गया, फिर से एक दो तीन चैन, और ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, एक दो तीन चैन। और यहीं पे इसे छोड़ेंगे, और यहाँ पे दो चैन बनाई थी, अब इसमें हम इस तरह से इसे हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये होल है पहला वाला, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन, दो चैन, फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। दो चैन, अब यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए, और यहाँ पे मैंने पांच डबल क्रोशिया बना लिए। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम तीन चैन इस तरह से हम अपने
घुमाएंगे और यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन, फिर से हम इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन, तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, एक दो तीन चैन, इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और यहाँ पे दो चैन बनाई थी, अब यह पहली चैन के अंदर से हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, दो चैन, फिर से हम इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन, फिर से इसके अंदर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ये चार डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर से यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाई थी इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, दो चैन। अब इस वाली में एक डबल क्रोशिया, दो, तीन डबल क्रोशिया, ये हमारी तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया और दो चैन। अब यहाँ पर दो चैन बनाई थी इसमें, पहली वाली चैन के अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाएंगे। अब एक चैन बनाने के बाद अब यहाँ पर डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और दो चैन। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन, दो चैन बनाने के बाद यहाँ पे थ्री चैन बनाई थी, ये पहली डबल क्रोशिया है, यहाँ पे तीन चैन बनाई थी, इसमें हम इस तरह से जोड़ेंगे, इसे यहीं पे छोड़ेंगे और तीसरी वाली में हम अपनी क्रोशिया को निकालेंगे इस तरह से, तीसरी वाली चैन के अंदर से क्रोशिया निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इस तरह से। ये हमारे तीन नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बन के तैयार हो गई। मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।